Welcome guys, in the next video lecture of vector algebra. In this video lecture we are going to solve some problem on section formula जो कि अभी हमने पढ़ा है. ठीक है, शुरुआत करते हैं. फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स मतलब 2i-3j+k एंड 2i-3j+2k इंटरनल या एक्सटर्नल इन द रेशियो ऑफ 3:2. अब क्वेश्चन क्या क्या है, जैसे कि बोल रहे कि पहले दो पार्ट का क्वेश्चन है. पहला है इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली. ठीक है, देखिएगा. तो एक बोल रहा है कि एक पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट दिया है, जो पहला पॉइंट मान लीजिए ए है, दूसरा पॉइंट बी है. ए का पोजीशन वेक्टर दिया है 2i-3j+k एंड बी का पोजीशन वेक्टर दिया है 2i-3j+2k. अब बोल रहा है इसको एक पॉइंट सी इंटरनली 3:2 रेशियो, मतलब ये 3:2 है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा. तो आप जानते हैं जब सी होता है तो ये क्या होता है, 3 × दिस, तो 3 × 2i-3j+2k + 2 × 2i-3j+k अपॉन 3+2. दिस इज द फॉर्मूला इंटरनल इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है. इसको मैंने लगा दिया सिंपली, इसको जोड़ते थे क्या, 3 × 6i-3 × 9j+3 × 6k+2 × 4i-3 × 6j+2k डिवाइड बाई 5. यहाँ जाएगा 6i+4i यानी कि 10i-9 - 6 यानी कि -15j+6k+2k यानी कि 8k/5. दिस विल बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी जो कि ए और बी को इंटरनली 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा. ठीक है, अब एक्सटर्नली की बात करते हैं. पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और मान लीजिए पॉइंट सी है, तो इसको 3:2 के रेशियो, 3 है तो ये क्या है, 2 है. समझ में आ रहा, बाहर है, सी हमारा क्या है, एक्सटर्नली बाहर है. ठीक है, अब ए का वही पोजिशन वेक्टर दिया है 2i-3j+k और बी का दिया है 2i-3j+2k. ठीक है, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सी क्या है, 3 × 2i-3j+2k - 2 × 2i-3j+k अपॉन 3 - 2. यानी कि 3 × 6i-9j+3 × 6k - 4i+3 × 6j - 2k/1. तो 1 से अपन छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है. बाई 1 ये देखिएगा, 6i में से 4i जाएगा तो क्या बचेगा, 2i-9j+6j निकल जाएगा तो -3j, 6k में से 2k निकल जाएगा तो +4k. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, और यही हमको निकालना था. तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें बोला था कि एक पॉइंट है जो ए और बी को इंटरनली 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, और वह एक और दूसरा पॉइंट है जो ए और बी को एक्सटर्नली 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसका पोजिशन वेक्टर निकालता है, जो कि मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे निकाल दिया. ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ठीक है, होप आपको समझ में आया हो. नहीं समझ में तो इसे रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिए. बोल रहा है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी. अब देखिएगा कंसेप्ट क्या है. ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है. ठीक है, इसको बोल रहा है कि इसको ट्राइसेक्शन वेक्टर, मतलब दो पॉइंट लेना है. इस पर मान लीजिए, ये मान लीजिए सी है और ये डी है,
तो ऐसा सी और डी लेना है कि सच देट कि ये जो लंबाई है ना ए और सी की लंबाई वही लंबाई क्या है सी डी की भी हो और वही लंबाई डी बी की, मतलब कि दो पॉइंट ऐसे लेना जो ए और बी को बराबर तीन भाग में बांटते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, तीन भाग में उसे बांट रहा हो। तो बोल रहा है कि सी और डी का पोजिशन वैक्टर आपसे पूछ रहा है कि सी का पोजिशन वैक्टर क्या होगा, डी का पोजिशन वैक्टर क्या होगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं मान लेता हूँ कि ये लंबाई जो ए सी है वो लैम्डा है, तो सी डी भी क्या होगा लैम्डा होगा और डी बी भी क्या होगा लैम्डा होगा। ठीक है, कहानी देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं सी को कैलकुलेट करूँगा, तो सी जो है पॉइंट जो है वो ए और बी को देखिएगा कितने डिस्टेंस में, मतलब ए और सी के यहाँ यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है लैम्डा, और सी से बी तक का ये लैम्डा क्या है टू लैम्डा, मतलब सी जो है ए और बी को इंटरनली लैम्डा और टू लैम्डा में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले पोजिशन वेक्टर ऑफ सी निकालते हैं। ठीक है, तो जब सी निकालेंगे तो ये लैम्डा की मल्टीप्लाई क्या होगी बी में होगी, तो वेक्टर पोजिशन वेक्टर सी इक्वल टू क्या होगा लैम्डा इंटू वेक्टर बी, ये लैम्डा इंटू वेक्टर बी प्लस टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए, ये टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए अपॉन लैम्डा प्लस टू लैम्डा। समझ में आया, इस लैम्डा की मल्टीप्लाई इस बी में, टू लैम्डा की मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या जाएगा वेक्टर बी प्लस टू वेक्टर ए अपॉन यहाँ पर टू लैम्डा, लैम्डा क्या जाएगा थ्री लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सी होगा वेक्टर बी प्लस टू टाइम्स वेक्टर ए अपॉन थ्री। तो ये हमारा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा सी होगा। ठीक है, ऐसे ही अपने को एक और पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्या है डी, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ डी क्या होगा, मान लीजिए वेक्टर डी है तो वेक्टर डी क्या होगा, अगर ध्यान से देखेंगे डी को तो वो इसको टू लैम्डा है और इसकी लंबाई क्या है लैम्डा है, तो मतलब ये टू लैम्डा और लैम्डा के रेशियो में ए और बी को डिवाइड करता है। तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर ए अपॉन टू लैम्डा प्लस लैम्डा, ऊपर से लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए अपॉन थ्री लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसल क्या हो जाएगा टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए अपॉन, तो ये पोजिशन वेक्टर ऑफ डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बस इसमें ये समझना था कि ये ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि ए और बी को दो पॉइंट ऐसे लेना है जो कि वो तीन बराबर भाग में बांट दे, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ तीनों क्या है बराबर हो जाए, ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी बी, उसके बाद पोजिशन वेक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार आपको लेंथ पता चल गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, दिया है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी ऑन बी ए प्रोड्यूस सच दैट बी सी इक्वल टू 1.5 बी। अब इसका मतलब क्या है ध्यान से सुनिएगा, तो मैं ऐसे ले रहा हूँ पहला पॉइंट मैं बी ले रहा हूँ क्योंकि जो सी है वो बी ए पर है, दूसरा पॉइंट ए ले रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा यहाँ के पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या है बी है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और पोजिशन वेक्टर ऑफ ए क्या है वेक्टर ए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस पर सी मुझे एक पॉइंट लेना है समझे जो बी ए पर है, सच दैट कि बी सी यानी कि बी सी बी सी का जो लंबाई है अपॉन बी सी इक्वल टू दिया है 1.5 को अपन 3/2 लिख सकते हैं और बी ए, ठीक है, यानी कि बी सी बाई बी ए इक्वल टू 3/2, मतलब ये हुआ कि बी सी सच दैट बी ए का जो रेशियो है 3:2 का रेशियो, यानी कि बी सी की लंबाई 3 है तो सी ए सॉरी हाँ बी सी बाई बी ए तो बी बी यहाँ पे यस, अब यहाँ पर बोल रहा है बी सी की लंबाई 3 है तो बी ए की लंबाई कितनी है 2 है, यहाँ की पूरी लंबाई क्या है 2 है, इसका मतलब क्या जो डायग्राम हमने बनाया ना वो गलत बनाया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, ये बी है ये ए है और ये हमारा बाहर कहीं तो सी है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये जो सी जो पॉइंट है ना बी ए पर वो क्या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तभी ये सही हो पाएगा 3/2, इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी बी ए का रेशियो क्या 3:2, यानी कि बी सी जो है ना ये जो लंबाई है ना वो 3 है और ए सी
और बी ए की लंबाई, ये जो बी ए की लंबाई है वो क्या है, ये 2 है। अगर ये बी ए की लंबाई 2 है तो ए सी की लंबाई कितना हो जाएगा, 1। आप समझ रहे, देखिएगा ये इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, बस यहाँ पर ध्यान देंगे ना तो अपने को समझ में आ रहा है। पहले क्या बोला था, वेक्टर ए वेक्टर बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट सी ऑन बी ए, बी ए पर प्रोड्यूस सच दैट बी सी इक्वल टू 1.5 बी ए। ध्यान से, तो पहले मैंने ऐसा बनाया था जो कि गलत हो गया, मैंने बोला कि बी ए के बीच में एक सी है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, जब इस पॉइंट को मैं यहाँ से बी सी इक्वल टू 1.5 बी ए को लिख रहा, बी सी इक्वल 3/2 बी ए लिख सकता हूँ, यानी कि बी सी बाई बी ए इक्वल टू 3/2, यानी कि बी सी सच दैट बी ए इक्वल टू 3/2, यानी बी सी और बी ए की लंबाई का जो रेशियो 3:2 है। मतलब ये हुआ कि बी सी की लंबाई 3 है और बी ए की लंबाई 2 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ये छोटा और ये बड़ा है इस डायरेक्शन डायग्राम में, तो ये पॉसिबल नहीं था, इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है, यानी क्या है कि जो सी पॉइंट है वो बी ए के उस साइड है, यानी कि देखिए बी सी क्या हो जाएगा 3 और बी ए क्या हो जाएगा 2। अब ये देखिए सही है, अगर बी ए 2 है तो हमारा ए सी कितना होगा, 1 होगा। अब ध्यान सुनिएगा, अब क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया है वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया है वेक्टर ए। अब यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे तो ये क्या एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, तो वेक्टर सी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए, 3 मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई वेक्टर बी, 1 इंटू वेक्टर बी अपॉन 3 माइनस 1। एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला ये से अपने को कोई लेना देना नहीं था, फिर ये वाला लेंगे ना, देखिएगा अपन बता देना, ये 3 मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए, ये जो लंबाई होती है मल्टीप्लाई बाई दिस अपॉन 3 माइनस 1, तो वेक्टर सी इक्वल हो जाएगा 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन 2। यही हमको निकालना था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे इसके वजह से डायग्राम हमारा बदल गया, ठीक है। नहीं तो आप एक बार फिर से इसे क्वेश्चन को रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सो दैट द फोर पॉइंट ए बी सी डी विद पोजिशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी रेस्पेक्टिवली सच दैट 3a माइनस 2b प्लस 5c माइनस 6d इक्वल टू 0 आर कोप्लेनर। आल्सो फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी। ध्यान सुनिएगा, जैसे कि अगर आप कोप्लेनरिटी की बात करें तो मैंने आपको जब पढ़ाता था तो बताया था कि कोई भी दो वेक्टर जो है ना, कोई भी दो वेक्टर है वो हमेशा का हमेशा कोप्लेनर होता है। अब इसमें कैसे हम इसको गारंटी दे सकते, वो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे दो वेक्टर है, हमारा ये पहला वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, तो मैं इसको कैसे भी घुमाऊँ ना, तो मैं अगर कैसे भी घुमाऊँ, जैसे मान लीजिए ऐसा मैंने लिया है, ध्यान से देखिएगा, तो ये कोप्लेनर है, क्यों, क्योंकि मैं प्लेन ऐसे यहाँ पर लगा सकता हूँ। देखिए प्लेन लगा दिया मैंने। अब आप बोलेंगे कि सर अगर मान लीजिए कि इसको मैं ऐसे घुमा दिया, तो मेरा पहले मैंने प्लेन लगाया था ऐसे, लेकिन अगर आपने ऐसे घुमाया तो मैं आपका प्लेन कैसे लगा सकूँ, इधर से लगा सकता हूँ। समझ में आ रहा, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो दो वेक्टर होता है ना वो हमेशा कोप्लेनर होता है। ध्यान से सुनिएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पर तकलीफ क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास चार पॉइंट है, ठीक है, इन चार पॉइंट से बनने वाले अगर मैं दो वेक्टर केवल बनाऊँ और केवल दो वेक्टर ही बन रहा है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोप्लेनर है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आपके पास चार पॉइंट है तो अगर मेरे वेक्टर ऐसे तीन वेक्टर बन रहे हो ना, तो दिक्कत है। क्यों, क्योंकि ऐसे देखिए, अगर ये दो वेक्टर मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए तीन वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे तीन वेक्टर है ये, तो अगर मैं इधर से प्लेन लगाता हूँ तो ये वेक्टर बच जाता है, अगर मैं इधर से प्लेन लगाता हूँ तो ये वेक्टर बच जाता है। समझ में आ रहा, बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए तीनों वेक्टर ऐसे जुड़े हो कि तीनों वेक्टर में एक पॉइंट कॉमन हो और तीनों अलग अलग समझ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर चार पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ, चौथा पॉइंट ये, चार ही पॉइंट है, लेकिन ये को प्लेनर नहीं है। समझ में आ रहा, इसीलिए जब चार पॉइंट का केस जब भी क्वेश्चन में होगा तो हमको बस ये देखना होगा कि वो चारों पॉइंट मिलकर के क्या दो लाइन बना रहे हैं कि तीन लाइन बना रहे हैं। अगर वो दो लाइन बना रहे ना तो मैं बोलूँगा कोप्लेनर है, अगर दो लाइन से ज़्यादा बना रहे ना तो हम बोलेंगे कोप्लेनर नहीं है। अब उसके लिए ध्यान से देखें, अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, ये एक हिंट भी दिया, जैसे बोल रहा है कि फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी। समहाउ ये बोल रहा है कि मान लीजिए ए सी और बी डी, ध्यान से, अगर ये मान ले लाइन नहीं दिया रहता तो यहाँ से देख कर अपने को ऑब्जर्व करना होता, लेकिन अगर ये लाइन दिया है ए सी और बी डी, इसका मतलब क्या है कि ए सी और बी डी मतलब दो वेक्टर बन रहा है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है,
आप समझ रहे हैं ना कि ए सी और बी डी दो पॉइंट दिए, इसका मतलब क्या है कि बोल रहे हैं कि ए सी बी डी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ए और सी से मिलकर एक लाइन एक वेक्टर जा रहा है और बी और डी से मिलकर क्या दूसरा वेक्टर, यानी कि टोटल कितने वेक्टर हैं, दो ही वेक्टर हैं। समझा, ए पॉइंट का मतलब यही है ना कि अगर ए और सी से मिलकर एक वेक्टर चला जाए, बी और डी से वेक्टर चला जाए, दो वेक्टर हो गए। अब दो वेक्टर है तो गारंटी में दे सकते हो कोप्लेनर है, मतलब ये वाला तो प्रूफ हो गया पहला ही इसी पॉइंट के मदद से, मतलब मैं सोच सकता हूँ ऐसा। अब बात यह आती है कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो इससे ए सी और बी डी के हेल्प से मुझे क्या क्या समझता है मैं यहाँ पर देखता हूँ। जैसे चूंकि दिया हुआ है थ्री वेक्टर ए माइनस टू वेक्टर बी प्लस फाइव वेक्टर सी माइनस सिक्स वेक्टर डी इक्वल टू जीरो दिया हुआ, तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, ए सी और बी डी बनाने के लिए मैं क्या ए और सी को एक साथ रख ले रहा हूँ, थ्री वेक्टर ए प्लस फाइव वेक्टर सी एक साथ रोक लेता हूँ, बी और डी को उधर लेता हूँ, तो टू वेक्टर बी प्लस सिक्स वेक्टर डी हो गया। अब यहाँ पर देखता हूँ तीन पाँच आठ छः दो आठ, तो दोनों साइड को मैं आठ से अगर डिवाइड कर दूँ, डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब क्या है ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस दोनों का मतलब क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है, हमारा पॉइंट सी है, तो इसका पोजिशन वेक्टर वेक्टर ए है, इसका पोजिशन वेक्टर सी है, बी टी ये पोजीशन, ये हमारा पॉइंट बी है, मान लीजिए डी है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा डायरेक्शन इधर थोड़ा लंबा है, मैं इधर उधर हो सकता है तो समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ है कि ए और सी जो वेक्टर बन रहा है उस पर एक पॉइंट है जो उसे, जैसे ये वेक्टर ये है तो उसे फाइव इस टू थ्री के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप समझ रहे हैं ध्यान से, अगर ऐसा है तो देखिए इस पॉइंट का अगर पोजिशन वेक्टर निकालूंगा तो ये क्या थ्री इस टू ए प्लस फाइव इस टू सी, थ्री इस टू ए प्लस फाइव इस टू सी डिवाइड बाई एट, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। देखिएगा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद यहाँ समझ गए ना तो आगे के सारे प्रॉब्लम आपको हलवा टाइप समझ में आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इस अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर वेक्टर ए मतलब पॉइंट ए और पॉइंट सी को जब मिलाऊंगा ना तो ये मतलब पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में एक पॉइंट है जो उसे फाइव इस टू थ्री के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर बी और डी के बाद वेक्टर, ये हमारा वेक्टर बी है और हमारा वेक्टर डी है, ध्यान से देखिएगा, तो इसे सिक्स इस टू टू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और ये एक पॉइंट है। आपको समझ में आ रहा, ये देखिए सिक्स वेक्टर डी प्लस टू वेक्टर बी वही दिख रहा है, सिक्स वेक्टर डी प्लस टू वेक्टर बी डिवाइड बाई छः टू आठ, और ये दोनों क्या है इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल है यानी कि ये दोनों पॉइंट क्या है सेम है, मतलब ये वाला जो पॉइंट और ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो क्या सेम है, और ये समझ लेते हैं। यहाँ देखिए अब इससे क्या हो गया, अब इससे हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि ए सी और बी डी हमारे पास कितने वेक्टर हैं, ए सी वेक्टर है एंड बी डी दो ही वेक्टर है, दोनों दो वेक्टर है तो हम डायरेक्टली इसको क्या बोल देंगे कोप्लेनर बोल देंगे, हमारा ये भी प्रूफ हो गया कोप्लेनर है। अब दूसरा फाइंड द पोजिशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी, पोजिशन वेक्टर क्या क्या है, ए सी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर क्या है थ्री वेक्टर ए प्लस फाइव वेक्टर सी बाई एट, और जो बी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है टू वेक्टर बी प्लस सिक्स वेक्टर डी अपॉन एट। अगर वो रेशियो भी पूछता ना तो वो भी अपन बता सकते थे कि हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ए सी को फाइव इज टू थ्री और बी डी को सिक्स इज टू टू रेशियो में डिवाइड करता है। आप समझ गए नहीं, ये कैसे आ रहा कैसे नहीं आ रहा वो समझ में आ रहा, फिर मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी ऐसा दिया रहता है ना, ऐसा इक्वल टू दिया रहता है इक्वल टू, देखिए चार पॉइंट है, अगर मैं चारों पॉइंट को अगर इन कोएफिशिएंट को जोड़ूँ थ्री माइनस टू ऐसे ऐड कीजिए, थ्री माइनस टू प्लस फाइव माइनस सिक्स, अगर ये कोएफिशिएंट जुड़ के जीरो आता है ना तो मैं गारंटी बोल देता हूँ कोप्लेनर है। समझ, ये एक थ्योरम है जो कि मैंने प्रूफ नहीं किया, बट ये बाद में प्रूफ करेंगे, कब जब कोप्लेनरिटी पढ़ेंगे तब, तो कोप्लेनरिटी पढ़ेंगे तो उसको प्रूफ करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा पाँच तीन आठ छः दो आठ, आठ प्लस आठ माइनस आठ करके क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि कोप्लेनर हम आपको डायरेक्टली गारंटी दे सकते हैं। बट अब इसको अपन को प्रूफ करने के लिए अपन को पता है, अपन को ये दिखाना होगा कि यहाँ पर केवल दो वेक्टर है, जैसे ए बी सी डी चार पॉइंट को मिला के दो वेक्टर बन रहे हैं, अगर दो वेक्टर बनेंगे ना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होते, मतलब हमारा हो जाएगा कोप्लेनर। बट यहाँ पर एक हिंट दिया था, ए सी और बी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा था इस क्वेश्चन में, इसका मतलब समहाउ हम ये समझ सकते हैं
AC और BD जो है क्या, AC और BD जो है दो वेक्टर इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो उसको मैंने AC को अलग किया और BD को अलग किया यहाँ से। तो यहाँ से मेरे को दिखा कि AC पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जो उसे 3:5:3 के रेशियो में काट रहा है, और ऐसे BD पर एक इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट है जो उसे 6:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, ये इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि इक्वल है ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों क्या है इक्वल है, तो इसलिए वो कॉमन है। इसका मतलब AC BD कोप्लेनर, दो ही वेक्टर बने तो कोप्लेनर हो गए, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का अपन ये भी बता सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो मुझे लगा कि आपको ये समझ गया होगा कंसेप्ट, और हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी सी इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई जेड सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, द प्रूफ दैट ए बी सी आर कोलिनियर। ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा था, नोट में प्रूफ कर रखा था। जब भी मैं इंटरनल डिवीजन पढ़ा रहा था ना, तो इंटरनल डिवीजन का आई थिंक नोट नंबर 3 ये है पॉइंट। तो अब एक बार वो चेक कर लें, अगर आपको वहाँ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से अपन प्रूफ कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, चूंकि दिया है एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इक्वल टू 0 एंड दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो इससे यहाँ से अपन लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, जेड वेक्टर सी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस जेड वेक्टर सी इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी वेक्टर सी इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी अपॉन माइनस जेड लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, यानी माइनस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर माइनस जेड की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई, यानी एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट सी इज डिवाइडिंग क्या चीज, पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो वाई इज टू एक्स। ध्यान से देखिए कहानी क्या है, ये हमारा अगर मान लीजिए ए यानी कि ए है, और ये हमारा बी है और हमारा सी है, तो ये वाई और एक्स के रेशियो में डिवाइड करते हैं, वाई इज टू ए एक्स इज टू ए ना, तो एक्स इज टू ए यानी एक्स और वाई के रेशियो में, वाई और एक्स के रेशियो में डिवाइड करते हैं, एक्स इज टू ए प्लस वाई इज टू बी अपॉन सी, वाई इज टू एक्स के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी आर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी आर कोलिनियर, समझ में आ रहा है, यही हमको प्रूफ करना था। अगर ऐसा है तो क्या है, कोलिनियर है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल आसान था, यहाँ से हमने शुरू किया और इसे प्रूव कर दिया। और ये देखिए, इसको देख के समझ में आना चाहिए आपको हर बार कि इसका मतलब क्या। अगर ऐसा कुछ लिख पाए मैं, ए और बी को दो पॉइंट पोजीशन वेक्टर को, अगर मैं ऐसा लिख पाता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट सी पोजीशन वेक्टर सी है उसको वाई इज टू एक्स रेशियो में डिवाइड करता है ए बी को। समझ में आ रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और ये मैं बार 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 बताते आ रहा हूँ शुरू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसे आप समझ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट आगे आसान हो जाएगा। देखिएगा, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर ये तो बना लेते हैं पहले अच्छे से। मान लीजिए ये हमारे ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ए है, हमारा बी है और ये हमारा सी है। इसका पोजिशन वेक्टर है ए का आई माइनस जे माइनस 3 के, और वेक्टर बी है 2y प्लस जे माइनस 2k, एंड वेक्टर सी है माइनस 5y प्लस 2z माइनस 6k। ठीक है, रेस्पेक्टली द लेंथ ऑफ बाइसेक्टर AD, मान लीजिए बाइसेक्टर समझ रहे हैं ना, लेंथ ऑफ बाइसेक्टर AD मतलब इसके जो एंगल है ना, इसको दो बराबर भाग में बांटने वाला, मतलब ये और ये बराबर है, तो हमारा क्या है ए डी ऑफ एंगल बी ए सी, मतलब इस एंगल को बराबर भाग बांट दो, डी इज ऑन द सेगमेंट बी सी, मतलब डी जो है बी सी पर है,
आपको एक्चुअली लेंथ ऑफ AD निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ AD निकालना है, लेंथ ऑफ AD। अब AD निकालने के लिए आपको सबसे पहले पोजिशन वेक्टर ऑफ D निकालना होगा। अगर D निकल जाता है तो अपन AD वेक्टर निकाल पाएंगे और उसका लेंथ निकाल पाएंगे। बट D पोजिशन वेक्टर निकालने के लिए आपको निकालना होगा कि BD और DC का रेशियो क्या है, मतलब वो D जो पॉइंट है वो BC को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ध्यान से देखिएगा, अब इस कंसेप्ट को अगेन ये 10th क्लास में लेकर जाता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है और उसका एक एंगल बाईसेक्टर है, जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट A है, B है, C है और ये D है, तो एंगल बाईसेक्टर, तो ये जो बनाता है वो आइसोमर ट्रायंगल बनाता है, मतलब दोनों का जो रेशियो होता है ना वो सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे AB बाई AC इक्वल टू होता है BD बाई DC, मतलब समझ में आ रहा है। देखिए तो AD तो दोनों में कॉमन है तो उसमें तो मतलब नहीं है, तो जो AB बाई AC का जो रेशियो होता है वही BD और DC का रेशियो होता है। तो ये जो है ना कंसेप्ट, इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको 10th में याद है, 10th वाला कंसेप्ट याद है, क्योंकि ये 12th का अभी का कंसेप्ट नहीं है, 11th 12th का नहीं है, तो इसलिए मैं इसे प्रूफ नहीं करूँगा। 10th का कंसेप्ट है ये, आपको याद होना चाहिए कि ऐसा होता है। नहीं याद है तो आप रट्टा मार के रखिए। क्या है कि अगर A से इसका एंगल वाई सेक्टर निकालते हैं ना, तो ये AB बाई AC इक्वल टू होगा BD बाई DC। समझ में आ रहा? अब ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए, तो मैं क्या निकालता हूँ, सबसे पहले लेंथ ऑफ AB निकालूंगा। लेंथ ऑफ AB क्या होगा, अंडर रूट, सबसे पहले समझ रहे ना, क्योंकि आपको AB वेक्टर निकालना होगा, तो AB वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो पहले वेक्टर क्या होगा, OB माइनस OA। तो OB मतलब क्या है, यहाँ पर 2i प्लस जे माइनस 2k माइनस OA, यानी कि i प्लस जे प्लस 3k। मैं डायरेक्टली माइनस को अंदर लेकर गया हूँ, ठीक है। तो 2i में से आ जाएगा, तो i प्लस जे से प्लस जे प्लस 2j माइनस 2k प्लस 3, यानी कि प्लस k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यानी अंडर रूट 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 1 का स्क्वायर यानी तो 4, 1, 5, 1, 6, अंडर रूट 6। सही है, ये i माइनस जे माइनस 3k। तो AB मतलब B माइनस OB माइनस OA। तो B क्या है, 2i प्लस जे माइनस 2k, 2i प्लस जे माइनस 2k माइनस i प्लस जे प्लस 3k। तो 2i माइनस i प्लस जे प्लस जे 2k माइनस k प्लस k यानी कि प्लस k। तो अंडर रूट आएगा 1 प्लस 2 × 2 = 4, 1 × 4 = 5 = 6, अंडर रूट 6। ठीक है, हमारा AB हो जाएगा। ऐसे ही हमको निकालना होगा AC। AC हो जाएगा OC माइनस OA, पोजिशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A। ये क्या होगा, माइनस 5i प्लस 2j माइनस 6k माइनस i प्लस j प्लस 3k। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 5i माइनस i 6i प्लस 2 3j माइनस 6k प्लस 3k यानी कि माइनस 3k, 2 × 3 माइनस प्लस यानी कि माइनस 3k माइनस 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 6i। तो AC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 36, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 यानी 9 × 9 = 18 और 36, 36 × 18 क्या हो जाएगा, 8 × 6 = 14, 14 में लगाए 3 × 1 = 5। तो ये हो जाएगा 6 × 9 = 54 यानी कि 3√6। ठीक है, तो अपने को निकालना है, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा। तो BD बाई DC इक्वल टू हो जाएगा AB यानी कि √6 अपॉन AC यानी कि 3√6। √6 यानी कि 1/3, यानी कि BD की लंबाई अगर 1 है तो DC की लंबाई क्या होगी, 3। इससे अपने को ये चीज़ मिल के आती है। अब जैसे ही ए मिल जाता है तो अपने को पोजिशन वेक्टर ऑफ डी मिल जाएगा। पोजिशन वेक्टर ऑफ डी क्या होगा, 1 × C यानी कि माइनस 5i प्लस 2j माइनस 6k प्लस 3 × ये, तो 3 × 6i प्लस 3j
माइनस सिक्स के तीन दूनी छः, माइनस सिक्स के तीन दूनी छः आई, प्लस तीन एकम तीन माइनस सिक्स के अपॉन थ्री प्लस वन फोर, मतलब दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ डी। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव आई प्लस सिक्स आई, यानी कि हो जाएगा आई टू जे प्लस थ्री जे प्लस फाइव जे और सिक्स के माइनस सिक्स यानी कि माइनस ट्वेल्व के। ये हमारा पोजिशन वेक्टर ऑफ डी हो गया। अब पोजिशन वेक्टर ऑफ डी निकल जाएगा तो वेक्टर ए डी हमारा निकालेंगे। वेक्टर ए डी क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ डी क्या निकाला अपन ने, आई प्लस फाइव जे माइनस ट्वेल्व के, इसमें से माइनस कर रहे अपन आई प्लस जे प्लस थ्री के, तो ये क्या हो जाएगा आई माइनस आई करके क्या हो जाएगा जीरो प्लस फाइव जे प्लस जे यानी कि सिक्स जे और माइनस बारह के प्लस थ्री के प्लस थ्री के, तो क्या हो जाएगा माइनस नाइन के, माइनस नाइन के, सही है। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट थर्टी सिक्स प्लस नौ इक्यासी, तो क्या हो जाएगा छः एक सात आठ तीन ग्यारह, अंडर रूट एक सौ सत्रह, यानी कि नन ऑफ दी अबव, कोई भी यहाँ पर अंडर रूट एक सौ सत्रह नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक्स हो कहीं पे, आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे अपने हिसाब से। समझ में आ रहा, क्योंकि गलती जल्दी जल्दी करने में प्लस माइनस हो जाता है। मैं बहुत ही आराम से कर रहा हूँ कि प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो, बट फिर अगेन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से चेक कर लें। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि अगर बाइसेक्टर है तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू होगा बी डी बाई डी सी, ठीक है। और यही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है हमको जब बाद में हम प्रूफ करते हैं इन सेंटर वगैरह, ठीक है, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये याद रखें, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम ये रेशियो मिल जाता है ना, ए बी बाई ए सी का रेशियो निकाल लिया अपन ने, तो हमको बी डी बाई डी सी का रेशियो, तो पॉइंट पोजिशन वेक्टर डी निकल गया, तो ए डी निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे लगा कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार चेक कर लें क्या है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी वेयर ए बी सी डी, ये है, ध्यान देखिएगा कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए पॉइंट हमारा ए है, हमारा ए है जिसका पोजिशन वेक्टर क्या है सिक्स माइनस सेवन और जीरो, और बी है जिसका पॉइंट है सोलह माइनस उन्नीस और माइनस फोर, और ये हमारा पॉइंट सी है जिसका पोजिशन वेक्टर है जीरो थ्री माइनस सिक्स, और डी है टू माइनस फाइव और टेन। तो आपसे पूछ रहा है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो इसके लिए आपको मान, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूँ, अब खुद आप सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व पूरा नहीं करूँगा, मैं लगा बता के छोड़ दूँगा, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं मान लूँगा कि ये पॉइंट जो पी है ना, वो ए बी को लैम्डा इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैंने बताया था जब भी आपको ऐसा निकालना हो इंटरसेक्शन पॉइंट, आप मान लीजिएगा लैम्डा इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और सी डी को ये म्यू इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आपको करना क्या है, अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल गई ना, तो आपने सॉल्व कर पाएंगे क्या था, केवल लैम्डा की वैल्यू भी निकल गई तो भी आप बता पाएंगे कि पी का पोजिशन वैक्टर क्या है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए बी, ठीक है। तो अगर लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ए सी के हिसाब से क्या होगा, देखिएगा 16 टाइम्स लैम्डा, ये वाला 16 टाइम्स लैम्डा प्लस 6, ये 1 टाइम्स 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस 19 लैम्डा प्लस माइनस 19 लैम्डा माइनस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस 4 लैम्डा अपॉन प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, 1 इंटू 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये इक्वल टू होगा ये वाला 2 म्यू, देखिएगा 2 म्यू 1 इंटू 0 यानी 0 अपॉन म्यू प्लस 1 कॉमा
माइनस फाइव म्यू, माइनस फाइव म्यू अपॉन प्लस थ्री अपॉन म्यू प्लस वन कॉमा, ये देखिएगा टेन म्यू प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस सिक्स, क्योंकि माइनस है, माइनस सिक्स अपॉन म्यू प्लस वन, बस हो गया। अब इसमें क्या है कि ये इक्वल टू ये आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये दोनों का क्या कॉमन पॉइंट क्या है, तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये करके हम इक्वेशन अलग अलग बनाएंगे और उन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और सारे इक्वेशन सॉल्व करके हमको क्या निकालेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि लैम्डा इक्वल टू आएगा माइनस वन बाई थ्री और म्यू इक्वल टू आएगा वन। अब लैम्डा की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा, म्यू इक्वल टू आएगा, जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसकी मदद से ये अपना पॉइंट सॉल्व करेंगे। यहाँ लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा को माइनस वन बाई थ्री रखेंगे तो अपने को ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, ऐसे म्यू की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वन तो ये वैल्यू निकल के आएगा, तो सारी वैल्यू निकल गया। ये करा क्या मैंने, बोला कि जैसे ए बी सी डी दिए हैं तो बोला मुझे ए बी और सी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ए बी सी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मान लिया कि ए और बी को जो पॉइंट है वो लैम्डा इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस वन बाई थ्री आना, इसका मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये सब चीज़ें पॉइंट जो है ना नोट करने वाली बात है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वन इज टू थ्री के रेशियो में, और ये म्यू इक्वल टू वन आया है ना, इसका मतलब क्या इंटरनली डिवाइड कर रहा है वन इज टू वन के रेशियो, यानी कि सी और डी को बराबर बीस से डिवाइड काट रहा है, सो मतलब बाइसेक कर रहा है और ये बाइसेक नहीं कर रहा है, तो कहानी को समझिए, ठीक है। पोजिशन है वेक्टर, अब ये वेक्टर भी क्या मान लिया लैम्डा वन, तो ये लैम्डा को मतलब इससे मतलब 16 इंटू लैम्डा वन इंटू सिक्स अपॉन लैम्डा प्लस वन, ऐसे ही माइनस 16 इंटू माइनस 19 इंटू लैम्डा प्लस माइनस 7 अपॉन लैम्डा प्लस वन। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे ये इक्वल टू पहला इक्वल टू पहला है, यानी 16 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस वन इक्वल टू है 2 म्यू अपॉन म्यू प्लस वन, यहाँ देखिएगा तो दो कॉमन तक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू प्लस वन। मैंने यहाँ से दो से यहाँ दो कॉमन लेके काट दिया, 8 दूनी 16 और दो तीन 6, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो देखेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 लैम्डा म्यू प्लस 3 म्यू प्लस वन से मतलब क्या आएगा 8 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू लैम्डा म्यू प्लस म्यू। इधर देखिए ये लैम्डा म्यू इधर आएगा, तो 8 लैम्डा म्यू से 1 लैम्डा म्यू निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 लैम्डा म्यू 3 म्यू, यहाँ पर म्यू आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 म्यू प्लस 8 लैम्डा इक्वल टू क्या माइनस 3। अब यहाँ पर मेरा इक्वेशन नंबर वन हो गया। यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको मैं एक ही वेरिएबल मान लूँ, मान लो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स और इसको मान लेता हूँ वाई, इसको मान लेता हूँ जेड, तो एक्स वाई जेड के लिए यहाँ पर तीन इक्वेशन बनेगा, यहाँ से एक और बनेगा और यहाँ से एक और बनेगा, तो बेसिकली ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में तीन इक्वेशन बन के आएगा, उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मुझे सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली हमको सॉल्व क्या करना होगा, केवल लैम्डा और म्यू के लिए सॉल्व करना होगा, इसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होगा, समझ में आया, और जैसे ही सॉल्व होता है वो वैल्यू पुट करने के मेरा आंसर हो जाएगा। चूंकि अगेन ये सॉल्विंग इक्वेशन जो है ना, ये अगेन 12th का पार्ट नहीं है और ये 10th का पार्ट है, और मुझे लगता है कि आपको करने आता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मली क्या है, ये क्वेश्चन अगर देखा जाता है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है और करना चाहिए, बट सम टाइम्स मतलब पीपल गेट कन्फ्यूज कि मतलब ये क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो घबरा जाते हैं। बट ये चीज़ें ना मैंने पहले बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन है, चेक वेदर द थ्री वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 3k और माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k और 3i प्लस 4k फॉर्म्स अ ट्रायंगल आर नॉट। जैसे तीन वेक्टर है, मान लीजिए तीनों वेक्टर तीन साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीनों तीन साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर अब ये पूछ रहे क्या ये तीन ट्रायंगल फॉर्म मतलब ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये है, चूंकि हम जानते हैं कि अगर तीन साइड ट्रायंगल लेंगे
तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों को अगर जोड़ने पर जीरो आ जाएगा ना तो हम ट्राइंगल रिप्रेजेंट करते हैं, अगर नहीं आए ना तो ट्राइंगल रिप्रेजेंट नहीं करते। तो यहाँ पर देख चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k, देखिएगा माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k प्लस 3i प्लस 4k इक्वल टू क्या है, इधर देखिएगा। तो 3i से ये 3i कैंसिल हो जाएगा और क्या है, ये देखिए 2i बच गया, 2j 3j तो 3 दो 5j और ये 3k और 4k यानी प्लस 7k। अब ये इज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है। देयरफॉर दीज पॉइंट्स दीज वेक्टर्स डज नॉट रिप्रेजेंट ट्राइंगल, दैट्स इट, हो गया खत्म। मतलब ऐसे तीन ऐसे वेक्टर दे दे और पूछे कि ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते, तो हम क्या करें, तीनों को जोड़ देंगे। अगर तीनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं आए तो ट्राइंगल रिप्रेजेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर आई प्लस टू जेड एंड आई प्लस के, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। बहुत ही सिंपल है, चूंकि हम जानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। चूंकि हमको पता है कि वेक्टर ए क्या है, आई प्लस टू जे प्लस, और वेक्टर बी क्या है, आई प्लस के, तो वेक्टर सी आपको फाइंड करना है, एक्चुअली उसका लेंथ फाइंड करना, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वेक्टर सी इक्वल टू हम बोल सकते हैं, देखिए आई प्लस आई टू आई उधर जाए क्या जाएगा, माइनस टू आई और माइनस टू जे माइनस के, ये टू जे जाएगा माइनस जे के जाएगा माइनस के जाएगा। तो वेक्टर सी का लेंथ क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, दो दूनी चार और एक चार चार आठ एक, यानी कि अंडर रूट नाइन, यानी कि थ्री। लेंथ कितना हो जाएगा, थ्री, यानी थर्ड साइड का लेंथ क्या होगा, तीन। बस यही हमारा आंसर है, समझ में आया। तो गाइस अभी तक इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट ना थोड़ा सा भी ना समझ में आया ना, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ बताएं सो दैट कि मैं उसे दूर कर पाऊँ, समझ में आ रहा, उसे अपने पास ना रखें, अपने डाउट्स को अपने पास ना रखें, क्योंकि आपका छोटा सा डाउट आगे चल के बहुत बड़ा डाउट बन जाएगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई भी छोटा मोटा डाउट्स हो, आपको लगता है कि ये मुझे अच्छे से समझाया नहीं गया, तो आप बात पूछेंगे मुझसे, तो मैं उस केवल उस एक क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो 5-10 मिनट के उसी क्वेश्चन को देंगे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।